हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे बिहार में अब 11 स्टेशनों से चलेगी वंदे भारत ट्रेन। जी हाँ दोस्तों, जून से पटरी पर दौड़ने की तैयारी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें बिहार के यात्रियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आपको बता दें जून महीने से हो सकता है इसका परिचालन। फिलहाल जनशताब्दी और श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेनों को कन्वर्ट करने की योजना बनाई जा रही है और रेलवे ने लाइन की जाँच शुरू कर दिया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें वंदे भारत अमृत भरा ट्रेन चलाने की योजना बनाया जा रहा है और आपको बता दें कि रेलवे बोर्ड से एजेंडी मिल गई है। सोनपुर, समस्तीपुर, दानापुर, धनबाद, पंडित दीनदयाल उपाध्याय डिवीजन में इसकी तैयारी पूरे जोर से चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, सभी DRM ने अपने अपने इलाके में ट्रेनों को चलाने के लिए रेल लाइनों की जाँच पड़ताल शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि जनशताब्दी और श्रमिक एक्सप्रेस अमृत भारत ट्रेनों में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और पटना रांची, पटना हावड़ा सहित देश भर में 52 जनशताब्दी ट्रेन चल रही है। वहीं मुजफ्फरपुर, बलसाड़ समेत देश में 137 श्रमिक स्पेशल ट्रेन भी चल रही है। आपको बता दें करीब 350 श्रमिक एक्सप्रेस चला रही थी रेलवे कुछ दिन पहले, अब वो सब कन्वर्ट होकर अमृत भारत और वंदे भारत ट्रेनों में मांग के देखते हुए इसको चलाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और पूरा देश अमृत भारत मना रहा है, इसीलिए इन ट्रेनों के नाम अमृत भारत और वंदे भारत में बदल कर देशवासियों को नई सौगात दी जा रही है। आपको बता दें कि बहुत जल्द इन रूटों पर चलेगी ये अमृत भारत और वंदे भारत। 11 रूट मुजफ्फरपुर से दिल्ली, मुजफ्फरपुर से हावड़ा, सहरसा हावड़ा, साउथ बेंगलुरु सिटी से दानापुर, पटना से नई दिल्ली स्लीपर वर्जन। जी हाँ दोस्तों, बहुत विशेष न्यूज़ लेकर आए हैं। पटना से नई दिल्ली स्लीपर वर्जन आने वाला है। दरभंगा, जयनगर, रक्सौल आदि जगहों से वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेनें चलाई जाएगी। यानी बिहार के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, वंदे भारत अमृत भारत ट्रेन यानी 11 स्टेशनों से चलाने की योजना बना रही है रेलवे, जिसके लिए DRM को आदेश दे दिया गया और DRM पुल पुलिया रेलवे लाइन की जांच पड़ताल और बदलाव पूरी जोर शोर से युद्ध स्तर पर कर रहे हैं और बहुत जल्द बिहार को मिलेगा अमृत भारत ट्रेन, वंदे भारत ट्रेन स्लीपर वर्जन भी मिलने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी बात बता रहे हैं आपको, द रेल फैक्ट्स के माध्यम से सबसे पहले न्यूज़ आपके पास लेकर आते हैं। मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद जय भारत।